सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड की हथेली में 2 से 3 बूंद पानी लेंगे। उसके बाद हमने गोपी चंदन ले लिया, इस तिलक को रब करेंगे। अब देखिए, हमको रब करते टाइम ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा लिक्विड भी ना रहे और बहुत ज्यादा सॉलिड भी ना रहे। अब अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से सारा तिलक हमने इकट्ठा कर लिया इस तरह से, और फिर इसको यहाँ एंड पे लगा दिया इस तरह से। पूरा तिलक इकट्ठा करने के बाद अब अपनी रिंग फिंगर को इसमें एक तरह से डिप करना है आपको ऐसे, और डिप करके कोशिश करनी कि रिंग फिंगर के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे तिलक अच्छे से लग जाए, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, इस तरीके से। अब यहां पर टच करके अपनी फिंगर को दबाना है और बेंड करते हुए सीधा सीधा ऊपर ले जाना है इस तरीके से। ओम केशवाय नमः, ये मंत्र हम चैंट करेंगे। अब हमने रॉ फॉर्म में तिलक लगा दिया, बस अब एक फिंगर यूज करके लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन को सही कर दिया और एक फिंगर यूज करके राइट हैंड साइड वाली लाइन को भी सही कर दिया। थोड़ा सा ऊपर से रब कर दिया एक्स्ट्रा पार्ट, थोड़ा सा इधर से भी रब कर दिया। अब थोड़ा सा फिंगर को ऐसे करने से यहाँ पे भी सर्कल आ गया, और थोड़ा सा फिंगर को यहाँ से हमने एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया तो नीचे भी हमारा राउंड शेप आ गया। तो ये जो दो लाइंस हैं, ये भगवान कृष्ण के लोटस फीट, उनके चरण कमल को रिप्रेजेंट करती है, और भगवान के लोटस फीट के नीचे रहती है तुलसी महारानी। तो अभी हम तुलसी महारानी को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, धीरे धीरे करके, और एक लीफ जैसी शेप देने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट साइड से भी एक शार्प एज दे दीजिए और राइट साइड से भी शार्प एज दे दीजिए। बस हो गया।